ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। दादू रुकिए। नर्स, मुझे इनसे 5 मिनट बात करनी है, इन्हें थोड़ी देर रुकने दीजिए। क्या बात है बेटा? बस माँ, ऐसे ही। सब ठीक होगा? माँ आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। बच्चा होते ही ना आप उसकी फोटो ले लीजिएगा, और उसका कोई बर्थ मार्क हो तो वो भी चेक कर लीजिएगा। कोई ऐसी निशानी जो बाद में उसकी पहचान बने कि वो हमारा बच्चा है। क्यों अक्षरा? और वैसे भी जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके हाथ पे उसके नाम का बैंड बांध देते हैं। सब तो ठीक है दादू, लेकिन अपनी तरफ से एहतियात होना चाहिए ना। आपको पता है ना, हॉस्पिटल से एक बच्चा चोरी हो गया था। क्या हम और राह देखेंगे? हाँ रुक सकते हैं, वैसे कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है और बच्चा भी ठीक है। आप अक्षरा को तसल्ली देते रहिए, और हाँ अक्षरा थोड़ी सो जाए ना तो रिलैक्स्ड हो जाएगी। देखिए आप अक्षरा के सामने इस तरह कमजोर मत पड़ी, वो आपको इस तरह देख के और ज्यादा घबरा जाएगी। मिस्टर नैतिक से कहिए कि जल्द से जल्द आ जाए तो अच्छा होगा। हेलो माँ, अक्षरा कैसी है? ऑपरेशन हो गया क्या? नहीं बेटा, अभी ले जाएंगे ऑपरेशन के लिए। तो फिर मेरी उनसे एक बार बात करवा दीजिए प्लीज। नहीं मुन्ना, तू बात मत कर बहू से। क्यों माँ? बेटा बहू बहुत घबरा गई है, वो कह रही है तेरे बिना ऑपरेशन नहीं कराएगी। बच्चों की तरह जिद करके बैठ गई है कि जब तक तू नहीं आएगा वो ऑपरेशन नहीं कराएगी। किन माँ? वो तेरी राह देख रही है बेटा। माँ मैं एक बार उनकी आवाज सुनना चाहता हूँ प्लीज, मेरी एक बार उनसे बात करवा दीजिए। नहीं बेटा मैं नहीं करवा सकती, डॉक्टर ने कहा है कि तुझसे बात करने पर बहू और कमजोर पड़ जाएगी। इस समय तो उसे अपने अंदर हिम्मत जुटानी होगी। मुन्ना मैं समझ सकती हूँ बेटा, तू कितना परेशान होगा, कितना बेचैन होगा, किस हाल में है तू, लेकिन मुन्ना तू यहाँ जल्दी से आ जा। तू कुछ भी कर बेटा, बस यहाँ जल्दी से आ जा। सिस्टर स्ट्रेचर की तैयारी करो और उठी ले जाओ इनको। अक्षरा को नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शंस आर गुड। पेशेंट को ओटी में लेके जा रहे ठीक है ना मुन्ना? वो माँ अक्षरा क्या हुआ उन्हें? बेटा बेटा बहू को दर्द शुरू हो गया है, सब ठीक हो जाएगा, जज की हो जाएगी। किसी भी समय बहू को अंदर लेकर गए, वो चाहकर भी तेरा इंतजार नहीं कर पाएगी मुन्ना। सुनिए जी थोड़ा सा जल्दी चलाइए ना, सड़क तो खाली है। तेजी तो चल रहा हूँ साहब,